हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पहाड़ी भाई पीलो चाय। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहाड़ों की महिलाओं में और शहरों की महिलाओं में क्या अंतर है। दोनों बराबर है, पर एक फर्क बताता हूँ मैं आपको कि शहरों की महिलाओं और गाँव की महिलाओं में क्या अंतर है। अभी गाँव में महिलाएँ खेतों में काम कर रही होगी या अपना जो पहाड़ी जीवन है, गोर भैंस है उनको, उनका गोबर निकाल रही होगी। और शहरों की महिलाओं में आपको बताता हूँ क्या कर रही है अभी शहरों में। तो चलिए चलते हैं छत के ऊपर, दिखाते हैं आपको शहरों की महिलाओं के हाल। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये देखिए आप, चलिए ये देखिए आप शहरों की महिलाएं फर्स्ट क्लास छत के ऊपर घाम सेक रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार ये धूप सेक रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जितनी भी शहरों की महिलाएं हैं अभी धूप सेक रही है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर लाइफ जी रहे अपनी। और अब आपको दिखाता हूं मैं कि गांव की महिलाएं इस समय क्या कर रही है। ये देखिए, यहाँ पहाड़ों की महिलाएं आपस में डिस्कस कर रही है कि आज घास के लिए कहाँ जाया जाए, आज लकड़ी के लिए कहाँ जाया जाए, इसी बात पर यह डिस्कस कर रहे हैं। और आज अपना प्लान बना रहे हैं कि आज कहाँ जाया जाए, क्योंकि पहाड़ की महिलाएं ऐसे बैठ नहीं सकती है, उनको पता है उनको काम बहुत ज़रूरी है और बिना काम के वो कभी रह नहीं सकती है। इसीलिए पहाड़ की महिलाएं ज़्यादा स्वस्थ रहती है और ज़्यादा तंदुरुस्त रहती है। ये देखिए आप, इनका अभी प्लान बन रहा है और इनके पीठ पर जो घेड़ा है ये रखा हुआ है और ये अपने काम के लिए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये पहाड़ की महिलाओं और शहर की महिलाओं में आपको अंतर पता चल गया होगा।